सो हे गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड आयुष तिवारी एंड बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ वोकैबुलरी ट्रैम्पल। कुचल देना, रौन देना, अलाइव एंड किकिंग, चलती हुई हालत में या फिर अच्छे स्वास्थ्य में, इन सेफ हैंड, सुरक्षित हाथों में, मिस द बोट, मौका गवाना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेट्स गेट कमेंस द वीडियो। ट्रैम्पल, कुचल देना या फिर रौंद देना। एक औरत को रौंद दिया गया हाथी द्वारा। A woman was trampled by an elephant. Another sentence: Flower से बिखरे हुए बेड को कुचलो मत। Don't trample on the flower bed. Don't trample on the flower bed. Alive and kicking. अच्छी हालत में या फिर अच्छे स्वास्थ्य में। यह कार मेरे पास 10 सालों से है और अभी तक यह अच्छी हालत में। I have been having this car for 10 years. It's still alive and kicking. अगर मैं अच्छे स्वास्थ्य में होऊंगा तो मैं आपकी शादी की पार्टी में आ जाऊंगा। If I am alive and kicking, then I will surely come to your wedding party. In safe hands, सुरक्षित हाथों में। चिंता मत करो, डॉक्टर पेरी एक्सपीरियंस सर्जन है, तुम पक्का सुरक्षित हाथों में हो। डोंट वरी, डॉक्टर पेरी इज एक्सपीरियंस्ड हार्ट सर्जन, यू आर श्योरली इन सेफ हैंड्स। मैं जानता हूँ कि तुम चीज़ों को अच्छी तरह देखभाल करने वाले इंसान हो। मेरी कार सुरक्षित हाथों में है। आई नो यू आर गुड केयर टेकर, माई कार इज इन सेफ हैंड्स। ड्राइव अप द वॉल, सताना या फिर परेशान करना। बंद करो लगातार हॉर्न बजाना, ये मुझे परेशान कर रहा है। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, इट इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। मुझे मत सताओ, डोंट ड्राइव मी अप द वॉल। मुझे मत सताओ, डोंट ड्राइव मी अप द वॉल। मिस द बोट, मौका गवा देना। अगर तुम क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो तुम मौका गवा दोगे और एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। इफ यू डोंट पे अटेंशन इन द क्लास, सो यू विल मिस द बोट एंड डू बैडली इन योर एग्जाम। इफ यू डोंट पे अटेंशन इन द क्लास, सो यू विल मिस द बोट एंड डू बैडली इन योर एग्जाम्स। इसे खरीदने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसे अभी खरीद लो, नहीं तो तुम मौका गवा दोगे। यू विल नॉट गेट ऑफर टू बाय इट नाउ, अदरवाइज यू विल मिस द बोट। इसे खरीदने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसे अभी खरीद लो, नहीं तो तुम मौका गवा दोगे। यू विल नॉट गेट ऑफर टू बाय इट नाउ, अदरवाइज यू विल मिस द बोट। केयर फॉर, देखभाल करना। उसने मेरी देखभाल की थी जब मैं बीमार था। She cared for me when I was ill. उसने मेरी देखभाल की थी जब मैं बीमार था। She cared for me when I was ill. कौन तुम्हारे बेटे की देखभाल करेगा जब तुम काम पर होगे? Who will care for your son while you are at work? कौन तुम्हारे बेटे की देखभाल करेगा जब तुम काम पर होगे? Who will care for your son while you are at work?